सेलिंग प्राइस है और ये दिया है 30x² + 26x + 15। 1 मिनट। और आपको मार्जिन वैल्यू बोला है, सीमांत है, तो क्या लिखेंगे, MC = D/DX और RX। तो इसका डिफरेंशियल करोगे D/DX 13x² + 26x + 15 क्या होगा 26x + 26। अब हमको मार्जिन वैल्यू कितना पर निकालना है, MC @X = 7। तो इसमें पुट कर दो तो 26 × 7 + 26 कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 42 × 2 = 4 और 18 + 26 कितना हुआ 802। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लीजिए। और आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आपने इससे पहले ये क्वेश्चन के शुरुआत, इस चैप्टर के शुरुआत में सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। इसमें जो दिया है उसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। आर इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन दर किसके किसके सापेक्ष, रेडियस के, तो DA/DR = 1। तो ये एरिया किसका है, सर्किल का, तो एरिया सर्किल का एरिया कितना होता है πr². अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r, स्मॉल r, तो ये क्या होगा DA/DR π और इसका D/DR r² तो कितना हो गया 2πr। और हमारा रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर तो पुट कर दीजिए वैल्यू 2π × 6 12π क्या cm² प्रति cm। इस तरह इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए।